कैमल का जो बॉडी है वो बहुत शॉर्ट थिक होता है, दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सन, जो उन लोग को सन से बचा के रखे दिन के टाइम में और रात में फ्रीज होने से, मतलब ठंडा से बचा के रखे। द थिकी पैडल टोज, उन लोग का टोज मतलब पैर का जो फुट होता है वो बहुत ज़्यादा पैडल्ड मतलब मोटा होता है, ताकि ये पानी सैंड में आपका डूब ना सके। थर्ड क्या है, कैमल्स हैव हेवी आई लैशेज, इनका आई लैशेज जो होता है जिसको हम लोग पपनी बोलते हैं वो बहुत मोटा होता है। एयर्स एंड नोस्ट्रिल, ताकि आपका साउंड सैंड जो है वो उनके अंदर ना चला जाए। एयर्स नोस्ट्रिल ये सब आपका बहुत हैवी होता है ताकि सैंड अंदर ना जा सके। कैमल्स स्टोर फैट इन देयर हम्प, हम्प इन लोग के बॉडी में एक पार्ट होता है जो बॉडी से बाहर निकला हुआ रहता है, जिसमें आपका फैट जमा होता है। विथ सप्लाइज, ये तब उन लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है जब इन लोग को खाने के लिए और पीने के लिए कुछ नहीं मिलता है, तो ये लोग विदाउट फूड भी कुछ दिन रह सकते हैं क्योंकि उनके हम्प में आपका फैट स्टोर रहता है। कैमल्स कैन ट्रैवल फॉर मेनी डेज, कैमल जो है बिना पानी पिए बहुत दिनों तक ट्रैवल कर सकते हैं। बट व्हेन इट डज, कब होता है, जब ये लोग एक बार में बहुत सारा पानी पी लेते हैं, अबाउट 30 गैलन, एक टाइम में 30 गैलन पानी अगर पी लेते हैं। सिंस दे यूरिनेट और स्वेट वेरी लेस, और ये लोग उस वक्त क्या करते हैं, यूरिनेट भी कम करते हैं और स्वीट पसीना भी इनको उस वक्त कम होता है, ताकि वो लोग अपने बॉडी में पानी को कंजर्व करके रखें।